हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोस्केट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आपको पिछले वीडियो में मैंने सीबीएसई स्केटिंग चैंपियनशिप के बारे में बताया था और आज के वीडियो में एसजीएफआई स्केटिंग चैंपियनशिप इसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। और उससे पहले आपके लिए एक फैक्ट, जो आसमान से बिजली गिरती है लाइटनिंग, उसका टेम्परेचर कितना होता है फ्रेंड्स? अप्रोक्सीमेट 30,000 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आते हैं कि एसजीएफआई इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, एसजीएफआई का मतलब है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपकी सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है वो कराता है डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, उसमें से सिलेक्शन होती है, तो होती है स्टेट चैंपियनशिप। और स्टेट चैंपियनशिप में सिलेक्शन होने के बाद आप पार्टिसिपेट करते हैं एसजीएफआई के नेशनल चैंपियनशिप में। फ्रेंड्स, इसमें एज ग्रुप क्या है और इवेंट्स क्या क्या होते हैं? इसमें चार एज ग्रुप होते हैं, अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। और एज की कैलकुलेशन 31st ऑफ दिसंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, जिस तरह अभी चल रहा है 2024, तो एज की कैलकुलेशन कैसे होगी? 31st ऑफ दिसंबर 2024 से 2013 बॉर्न बच्चा, एक स्केटर जिसका बर्थ हुआ 2013 में, मंथ बेशक अक्टूबर हो, तो उसकी कैलकुलेशन की जाएगी 31st ऑफ दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 को ये बच्चा 11 साल का हो जाएगा, तो इसका ग्रुप बनेगा अंडर 14। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बच्चे का एज ग्रुप चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखिए, मैं आपको उसका एज ग्रुप बता दूंगा। फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अंडर 11 ग्रुप है इसमें 3rd, 4th और 5th के बच्चे अलाउड है। अगर आपका बच्चा 11 साल से कम है और अगर वो 6th क्लास में है तो वो ऑटोमेटिकली अंडर 14 में चला जाएगा। अंडर 11 ग्रुप में 6th क्लास का स्टूडेंट अलाउड नहीं है और 2nd का भी अलाउड नहीं है। अंडर 11 ग्रुप में ब्रैकेट है क्लास की 3rd, 4th एंड 5th, और बाकी सारे ग्रुप्स में 6th क्लास एंड ऑनवर्ड्स से अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, अगर आपका बच्चा 6th और उससे बड़ी क्लास में है तो वो इन ग्रुप्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये तो हो गए एज ग्रुप, अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। अब बात करते हैं इवेंट्स की, रेसेस क्या क्या होती हैं। क्वाड में होते हैं 3 रेसेस, 500 मीटर रिंग रेस, 1000 मीटर रिंग रेस और रोड की रेसेस। ग्रुप के हिसाब से अंडर 11 में 1500 मीटर, अंडर 14 में 2000 मीटर, अंडर 17 और अंडर 19 में 3000 मीटर। और फ्रेंड्स, क्वाड में स्केटर 3 में से कोई 2 रेसेस चूज कर सकता है। अब बात करते हैं इनलाइन की, इनलाइन में फ्रेंड्स 4 रेसेस होती हैं, 500 मीटर, 1000 मीटर रिंग रेसेस, रोड की एक रेस होती है 1 लैप रेस, जो कि क्वाड में नहीं होती। हर ग्रुप के लिए 1 लैप रेस और एक रोड की दूसरी रेस है, अंडर 11 के लिए 1500 मीटर, अंडर 14 के लिए 2000 मीटर, अंडर 17 और अंडर 19 के लिए 3000 मीटर की रेसेस। और इनलाइन में स्केटर 4 में से कोई 3 रेसेस चूज कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हर डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होगी तो स्केटर जाता है स्टेट चैंपियनशिप में। स्टेट के लिए 3-3 प्लेयर जाते हैं हर ग्रुप में। क्वाड में तीनों को 2-2 रेसेस मिलती हैं, फर्स्ट वाले को दोनों च्वाइस मिलती है उसकी मर्जी की रेसेस मिलेंगी, सेकंड वाले को एक च्वाइस मिलेगी उसकी मर्जी की, थर्ड वाले को बचे हुए रेसेस मिलती है। इनलाइन में जाते हैं 3 प्लेयर ही, पर फर्स्ट वाले को 3, सेकंड वाले को 3 और थर्ड वाले को मिलते 2 रेसेस। फ्रेंड्स, ये हो गए एज ग्रुप और इवेंट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको इवेंट्स में कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखिए, मैं आपको उसका एज ग्रुप भी बताऊंगा, उसके इवेंट्स भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके इवेंट्स, इसके एज ग्रुप क्या क्या होते हैं। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अभी कोई फैक्ट आपके लिए, चंद्रमा मून इसका दिन का टेम्परेचर अप्रॉक्सिमेट 125 डिग्री सेल्सियस और नाइट टेम्परेचर अप्रॉक्सिमेट -130 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, दिन में इतनी गर्मी, रात को इतनी ठंड। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।